हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम समझा दो तो ये रिएक्शंस करने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। स्टार्टिंग करते हैं, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज? तो वो सिंपल डेफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, यानी कि हम जो मेटल को अरेंज कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज कर रहे हैं। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे जितने नीचे होते चले जाएंगे वो उससे लो रिएक्टिव होते चले जाएंगे। इसीलिए AU जो है वो लीस्ट रिएक्टिव हो गया। अब आपने देखा होगा अगर आपने ये सीरीज याद कर ली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आती है डेफिनेशन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दो रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element to form a new compound, this is called displacement reaction. For example, जैसे copper sulfate solution में अगर हम zinc डाल दें, हमने देखा copper reactivity series में नीचे है और zinc जो है वो ऊपर है, तो ये more reactive हो गया, ये less, तो ये क्या करेगा, CO को हटा के displace कर देगा, Zn+4 CO निकाल देता अलग। फिर हमने दूसरा लिया copper sulfate solution में अगर हम magnesium डाल दें Mg, तो हमने देखा कि Mg मोर रिएक्टिव है, उसने इसको डिस्प्लेस करा, इसको कॉपर को अलग निकाल दिया। फिर हमने कॉपर लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसकी रिएक्शन करा दी Fe से, तो Fe से Fe भी ऊपर है उससे, तो ये क्या करेगा, इसको CO को निकाल देगा। लास्ट हमने इसकी रिएक्शन करा दी कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन करा दी लीड PV से, तो इसमें क्या करें, इसने भी कॉपर घटा देते हैं। यानी कि ये कॉपर जो है जितनी भी रिएक्शन मैंने यहाँ पर दी हैं वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को सारे डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर इसकी जगह पर हम AgNO3 लेते और तब CO डालते तो यहाँ पर क्या होता, Ag डिस्प्लेस हो जाता CO के द्वारा। क्यों? जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे, ये आपको अगर याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी गलती की कोई चांस ही नहीं हो सकती। थैंक्स।